तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के 12th क्लास के हिंदी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसने कहा था, इसका पार्ट 2 है। यानी कि पार्ट 1 में मैं आप लोगों को पूरी कहानी, ये जो उसने कहा था नाम का कहानी है, पूरी कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी थी, एकदम कम्प्लीट विस्तार से समझाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। उस कहानी में हम लोग कभी कभी इमोशनल भी हो जा रहे थे, कभी कभी हंसी भी आ रही थी, मतलब कभी खुशी कभी गम वाला मोमेंट था। याद है कि नहीं वो कहानी? चलिए मैं आप लोगों को एक नज़र में याद दिला देती हूँ सारांश के तौर पर। देखिए कहानी कुछ इस तरह से था कि एक लड़की थी कुंवारी, लहना सिंह की प्रेमी थी। टूट गए वो रिश्ते जब उस लड़की की कुड़माई थी। जंग छिड़ी थी दुश्मन से, जिस जंग में था हजारा सिंह, उस जंग में शामिल लहना सिंह से प्रेमी ने आंचल पसारी थी। याद दिलाकर बचपन की हजारा सिंह को बचाई थी। तो ये था आप लोगों का कहानी, और ये आप लोगों को तभी समझ में आया होगा जब आप मेरा इसका पहला वाला वीडियो यानी कि पार्ट 1 का वीडियो देखे हो और पूरी कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हो, तब आप लोगों को मैं जो कुछ भी बोली ये समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं मेरा पार्ट 1 का वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को रियली में जानना है, सच में जानना है कि पूरी कहानी क्या है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक, तो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, ठीक, आप जाकर देख सकते हैं। और मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि जाकर देख ही लीजिए, पूरी कहानी को समझ लीजिए, ठीक। और जो लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, पूरी कहानी को जानते हैं, तो उनको सबकी सब चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 के वीडियो में कहानी नहीं बल्कि उस कहानी के लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। कहानी तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ उसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 के, अब पार्ट 2 में चलिए हम लोग समझते हैं उसने कहा था नाम के इस चैप्टर के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में कुछ डिटेल्स, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन तो राइटर से पूछेगा ही पूछेगा, नो डाउट 100% पूछता है राइटर से, तो इसलिए राइटर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था, याद रखिएगा जन्म कहाँ कब हुआ था, 7 जुलाई 1883, और राजस्थान के जयपुर में हुआ था। लेकिन भले इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे, गुलेर नामक ग्राम पंचायत के, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ, कौन से ज़िला में, कांगड़ा जिला का जो है एक है गुलेर नामक ग्राम पंचायत, वहीं के ये मूल निवासी थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहाँ के मूल निवासी, कहाँ के रहने वाले थे ये गुलेर के रहने वाले थे, लेकिन इनकी पैदाइश राजस्थान के जयपुर में हुई थी, ठीक है। और पिता की बात कर लें, इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम, और इनका निधन यानी कि इनकी मौत हो गई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, ठीक है। और शिक्षा देखिए, बचपन में ये तो संस्कृत की शिक्षा लिए थे बहुत ज़्यादा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और उसके बाद से 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस और मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे। देखिए 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये जाकर एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए थे, और 1899 में ही ये कोलकाता विश्वविद्यालय में जाकर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक। और 1901 में, ठीक, 2 साल के बाद होता है ना इंटर का एग्ज़ाम, तो 1901 में कलकत्ता के विश्वविद्यालय से ये इंटरमीडिएट किए थे, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए, और उसके बाद से 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये बीए भी किए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये आर्ट्स था इनका सब्जेक्ट, ठीक। तो ये शिक्षा की बात हो गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और उसके बाद कहाँ तक की पढ़ाई किए थे, बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स तक, ठीक। और वृत्ति की बात कर ले यानी कि इनका पेशा क्या करते थे ये, तो मेयो कॉलेज अजमेर में 1904 में जयपुर दरबार की ओर से राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर आए थे। देखिए ये जो मेयो कॉलेज अजमेर है, यहाँ पर 1904 में ये जयपुर दरबार की ओर से राजा जयसिंह के अभिभावक यानी कि गार्जियन बनकर आए थे इस कॉलेज में, मेयो कॉलेज में, ठीक है। और उसके बाद से 1916 में ये संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने थे। और देखिए मेयो कॉलेज जो है, जो भी छात्रावास था वहाँ पर, मेयो कॉलेज में छात्रावास था, तो वहाँ पर ये एक तरह से कंट्रोलर थे, नियंत्रक थे, ठीक, नियंत्रण रखते थे सब चीज़ पर, ठीक, मेयो कॉलेज में। और 1916 में ये संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने थे, यानी कि संस्कृत के डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद से इनकी कुछ पत्रिका का नाम, मतलब इनकी कुछ पत्रिका भी थी जो प्रकाशित होती थी, समालोचक और काशी नगरी प्रचारिणी, ठीक, ये दोनों क्या है, पत्रिका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। दो पत्रिका का नाम याद रखिएगा, दो ही छ दिया गया आप लोगों के बुक में, ठीक। और रचनाएं की बात कर लें कि ये क्या क्या लिखे, तो ये कहानियां लिखते थे और निबंध लिखते थे। लेकिन देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही कहानी लिखे थे,
तीन ठो कहानी लिखे थे। तीनों का नाम देखिए मैं लिख दी हूँ। सुखमय जीवन जो कि 1911 ईस्वी में ये कहानी लिखे थे और प्रकाशित हुआ 1911 में, और बुध का काटा ये भी 1911 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था, बुध का काटा नाम का कहानी। और जो लास्ट तीसरा कहानी लिखे थे वो था उसने कहा था, जो कि मैं आप लोगों को पार्ट वन के वीडियो यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ ये पूरी कहानी को। तो ये जो उसने कहा था नाम का कहानी है ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखिए चैप्टर का नाम ही है उसने कहा था। ये कहानी को मैं आप लोगों को ठीक इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी थी। तो ये कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915 में। और याद रखिएगा उसने कहा था ये जो है ना कहानी, इसको मील का पत्थर भी बोला जाता है। ठीक, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछते तो याद रखिएगा उसने कहा था नाम के इस कहानी को क्या कहा जाता है, मील का पत्थर। ठीक है, और निबंध भी ये लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, कछुआ धर्म, मॉरिसिस मोही कुठाओ, ठीक, मारेसी मोही कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्रारी इत्यादि, ये सब क्या है, निबंध है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे थे। और ये अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में भी निबंध लिखे थे, ऐसे लिखे थे जैसे कि ए पोएम बॉय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स, कामसूत्र और द लिटरेरी क्रिटिसिज्म इटीसी, ये सब क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ ऐसे यानी कि निबंध है। ठीक, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी को 20वीं सदी के हिंदी गद्य साहित्य के ये मिटक गया है। ठीक है, 20वीं सदी के हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक माना जाता है। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये 20वीं सदी के लेखक हैं। कब की 20वीं सदी? सदी तो आप लोगों को मैं कितना बार बताई हूँ कि एक से लेकर 100 साल के बीच के समय को एक सदी या फिर एक सदी या फिर एक शताब्दी कहते हैं। फिर 100 से लेकर 200 साल के बीच के समय को दो सदी नहीं तो दूसरी शताब्दी कहते हैं। फिर 200 से लेकर 300 साल के बीच के समय को तीसरी सदी या फिर तीसरी शताब्दी कहते हैं। उसी तरह 1900 से लेकर 2000 साल के बीच के समय को 20वीं सदी या फिर 20वीं शताब्दी कहते हैं। तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये 20वीं शताब्दी के क्या है, प्रमुख लेखक हैं। और ये क्या लिखते हैं, हिंदी गद्य साहित्य यानी कि ये हिंदी गद्य लिखते हैं, मतलब जिसमें कहानी, कहानी, निबंध, साहित्य वगैरह आता है। ठीक है, गद्य खंड उसे कहते हैं ना, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ गद्य किसे कहते हैं, जिसमें आम बोलचाल की तरह लिखा जाए। ठीक है, तो ये जो चंद्र शर्मा गुलेरी थे ये गद्य साहित्य के लेखक थे यानी कि गद्य लिखा करते हैं, कहानी लिखेंगे नहीं तो निबंध लिखेंगे। ठीक, तो ये था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं था। जो कुछ भी मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिख दी हूँ हर एक चीज़ आप लोगों को याद रखना चाहिए ताकि अगर कहीं से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ करना है। ठीक, तो ये हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पूरी डिटेल्स। और आप लोग का अब होता है फाइनली ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरे तरीके से कम्प्लीट, कहानी भी आप लोग समझ गए और लेखक के बारे में भी समझ गए। तो अब यहाँ पर फाइनली आप लोग का पूरा तरीके से चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चारों तरफ शेयर कीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।